उस बिल्ला की मिस्ट्री तुम्हारे बाद ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाह के शुक्र के साथ भी आज का ब्लॉग नहीं आया, सिर्फ वीडियो है। तो वीडियो मेरी है इन्फॉर्मेटिव। इन्फॉर्मेटिव ऐसे है कि हमारे हालात के बारे में, मुल्क के अंदर हमारे जो अदारे हैं, जो उनकी सूरत हाल है, तो बात करूँगा मैं उसके ऊपर। बात ऐसे है कि मैं और माजिद भाई आज मैंने वीडियो मैंने आप जो ब्लॉग है ना मैंने अपलोड भी किए हुए हैं, जब हम पासपोर्ट बनवाने गए हैं, क्या क्या जलालते हुए थे, क्या क्या कुछ हुआ था हमारे साथ। उसके बाद आज हम गए हैं दोनों पासपोर्ट लेने के लिए। माजिद साहब का पासपोर्ट मैंने दिया हुआ था, दिखा देता हूँ आप किस तरह जब हम निकले हैं। तो वीडियो भी माजिद साहब ही बना रहे हैं अभी। तो गए हम पासपोर्ट लेने के लिए माजिद से, अभी आगे खड़े ही हुए, सिर्फ मुंह धोया है, चुनिया के अंदर गए थे। तो क्या जी, उसके ऊपर टोकन जो देते हैं ना, उसके ऊपर मेंशन है कि सिर्फ 10 वर्किंग डेज के अंदर आपको पासपोर्ट है जो मिल जाएगा, सिर्फ 10 वर्किंग डेज के अंदर। तो हम तकरीबन 20 दिन के बाद गए हैं आज, 20 से भी 25 हो सकते हैं। तो क्या होगा जी, हम गए, उन्होंने कहा जी पासपोर्ट आपका नहीं आया। हमने कहा जी क्यों नहीं आया, अरे जी पीछे से जो है वर्किंग प्रोसेस वो स्लो है इसलिए नहीं है। तो ये कौन सा एक पासपोर्ट देखे ना, किसी बंदे ने बाहर जाना है, उसको टाइम है मखसूस उसके पास, हो सकता है उसका वीजा लेटर आ गया हो, तो वो तो अब ये तो नहीं है ना पॉसिबल कि आप 5 दिन, अब टाइम 10 दिन का है, आप वो कर लीजिए 15 दिन के, 25 दिन, 25 तो छोड़े, अभी तकरीबन अभी उन्होंने 1 माह का कह दिया, 1 माह हो जाना है जब हम वापिस जाएंगे लेने के लिए। तो ये क्या कोई प्रोसेस है, कोई है हमारा अभी जो मुल्क के हालात देखे माशाल्लाह से, कोई अदारा मुझे आप ऐसा बता दे जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हो, किसके लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहा हो, चाहे वो पुलिस का अदारा है, चाहे वो कोई पटवारहन है, चाहे वो अदालती निज़ाम है, चाहे वो कोई छोटे से छोटा, अगर सरकारी स्कूल की बात करें ना तो वहां पर भी पढ़ाया, इस टाइम स्टडी का वो हाल है, क्या बताएं। अब देखे ना हमारा निसाब देख लें, अंग्रेज चले गए, अंग्रेज वो निसाब हमें देखे और माशाल्लाह से हमारे दिमाग इतने हैं, इतनी हमने तरक्की की है कि अभी तक वही, जब पाकिस्तान आजाद हुआ था वही तलीमी निज़ाम अभी तक चल रहा है, अभी तक हमने उसको छेड़ा ही नहीं है, चेक ही नहीं किया। देखें तकरीबन हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई तकरीबन कुछ नोबल प्राइज लेता है, कोई केमिस्ट्री के अंदर ले रहा है, कोई फिजिक्स के अंदर ले रहा है, इजादात कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर रहे। तलीमी निज़ाम ही माशाल्लाह से ऐसा है। अब यह है कि अवाम को शऊर तो वो आने ही नहीं ना दे रहे, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट ही क्यों नहीं है, क्योंकि अगर शऊर आ गया तो उसने भाई परखना है हर चीज को, अगर परखा तो वो भाई चोरों लटेरों किसी भी दौर पर बंदे को वोट नहीं देगा, किसी भी दौर पर बंदे का साथ नहीं देगा। बस यही है कि इनके दिमागों के ऊपर पर्दा डाल दो, खत्म कर दो कहानी। जो हालात है माशाल्लाह से हमारे मुल्क इस दफा उम्र खड़े हैं, तो अगर जब पासपोर्ट बनवाना था तब 2 दिन जलील हुए हैं, पूरे 2 दिन ब्लॉग मैंने अपलोड किए हुए हैं दोनों किस किस तरह जलील हुए हैं। और अगर फीस की बात करें तो जो बैंक वाले हैं उन्होंने एक्स्ट्रा अपना काम उन्होंने एक बंदे को दिया हुआ है जो हमसे एक्स्ट्रा 1000 रुपया चार्ज ले रहा है सिर्फ एक फीस पे करने के। और नादरा के अंदर उन्होंने जगह टैक्स लगाना चाहिए उनको, ऑफिस वालों को, पासपोर्ट वालों को, क्योंकि फीस तो वो लेते हैं, उन्होंने वो भी जगह टैक्स लगाया हुआ है, जिसको जिस बंदे ने पासपोर्ट बनवाने आना है वो 1000 रुपया हर बंदे ने फ्री में देना है। तो जो हालात जा रहे हैं ना मुल्क के, तरक्की के लिहाज से देखें ना, अगर सोचें कि हमारा मुल्क पाकिस्तान कब तरक्की करेगा, कितनी देर के अंदर तरक्की करेगा, तो वो भाई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, दूर दूर तक। क्यों, वो सब आपके सामने है। हमारे मुल्क के अंदर जितना भी पढ़ा लिखा तबका है ना, सोच वाला, PhD स्कॉलर्स, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिन्होंने मुल्क को आगे लेके जाना है, वो भाई लेके थी, वो सीधा मुल्क से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि जिनका अच्छा दिमाग है, अच्छी सेंस है, उन्हें पता है कि हमारी इस मुल्क के अंदर वैल्यू नहीं है। अगर बात करें कोई सरकारी नौकरी की, तो तकरीबन अभी 5 साल तकरीबन हो चुके हैं, और एक भी सरकारी नौकरी कहे ना कोई अच्छी आई हो, जिसके अंदर आम जो घरों के अंदर जैसे कह रहे टीचरों की जॉब्स अभी तक नहीं है। अगर कोई जॉब्स आ रही हैं तो वो आज के अंदर नहीं है, या पुलिस का महकमा या कोई बिजली का महकमा है, और मखसूस क्योंकि जो रिटायर होते हैं सिर्फ वही रख रहे हैं, और माशाल्लाह से जो रखते हैं वो भी ऐसे होता है कि पहली जो पोस्टें होती हैं 10 MLA ले गया, 10 MPA ले गया, इस तरह। तो जो बाकी बचती हैं वो भी रिश्वत,
इतने लाख की भाई ये सीट है, इतने लाख की, इतने लाख दे और आपको डायरेक्ट ऑर्डर देंगे, कोई आपको ये टेस्ट की जरूरत नहीं है, आपने जाना टेस्ट के ऊपर सिर्फ नाम लिखना है। तो ये हालात है माशाल्लाह से। और अगर बात करें तो यही है कि एंड की एंड कि हमें सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, क्या इसका कोई फ्यूचर है। अब दुनिया तरक्की देखे ना, इंडिया बात करें सिर्फ एक उनका जो उनका है अदारा स्पार्को, हमारा है उनका भी इसी तरह का है जो सैटेलाइट बेस्ड है हालात के अंदर। हमारा अदारा उनसे पहले वजूद में आया है, उनका बाद में आया है। और हमें एक अगर सैटेलाइट हाल ही भेजना हो ना हालात के अंदर, हमें चाइना की मदद लेनी पड़ती है, उनकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। और उन्होंने माशाल्लाह पहले चांद के ऊपर अपना भेजा मिशन, और फिर अभी मरीज के ऊपर भी भेज रहे हैं। मतलब कि इंडिया तो इंडिया रह गया, बांग्लादेश भी हमसे तरक्की कर गया है। अब बात करें क्या कहते ना फलाने भाई तू टके का नहीं है, अभी आज देखिए कि एक टका है ना वो भी 2 पैसों का है, और उसकी करेंसी भी हमसे ज्यादा वैल्यू रखती है, हमारी करेंसी की डी वैल्यू हो रही है आस्ता आस्ता। क्यों? क्योंकि मुल्क के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। होता है कोई सोचे कि मुल्क को किस तरफ लेके जाना है, यार हमने तरक्की करनी है, दुनिया तरक्की कर रही है, यूरोप की तरफ देखें, अमेरिका की तरफ देखें, जितने भी तरक्की याफ्ता कंट्रीज है ना, सबसे बेस्ट है कि उनके अंदर जो उनके अदारे हैं ना, किसी तरह का भी अदारा ब्यूरोक्रेसी का कर ले कोई कर ले, तो सबसे बड़ा किरदार मुल्क की तरक्की के अंदर वो अदा करते हैं। और हमारे अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो वो ख़त्म है, हमारे इलाके के अंदर ब्यूरोक्रेट्स कम निकलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो सीए कह रहा हूँ, जो असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह डीसी वगैरह ये जितने भी होते हैं एसीडीसी, तो इनका काम होता है हर चीज़ को कंट्रोल करना, प्राइस को कंट्रोल करना, करप्शन को कंट्रोल करना, अगर कहीं 2 नंबरी हो रही है उसको कंट्रोल करना। जितने भी ये अदारे हैं हमारे सरकारी स्कूल्स हो गए, या ये जैसे अभी नागरा शागरा की मैं बात कर रहा हूँ, ये पासपोर्ट ऑफिस वाला जैसे सीन मैंने बताया है, तो ये सब उनका काम है। वो भाई क्या है? उनको है ही पूछने वाला ही कोई नहीं है, उनको भी पूछने वाला कोई नहीं है। तो एक होता है कि वो खुद अपनी ड्यूटी दें, नहीं कोई ड्यूटी नहीं दे रहा, वो ड्यूटी कब देते हैं जब पता हो कोई सीजन आ गया जहाँ पे फिर करप्शन, मतलब कि उनको पैसा अच्छा खासा मिलना हो, जब गवर्नमेंट की तरफ से छोटा मोटा ऑर्डर मिले, चले भी आपने ऐसे करना है, पुरानी दुकानें गिरा देनी है, वो रस्ते खाली करा देने हैं, क्या करना है आपने जी गंदम पकड़नी है, गंदम नहीं पूरी हो रही, फिर वहां पे ऐसे हिसाब निकलते हैं। और वहां भी फिर वही वो लाखों का रुपया करप्शन लेते हैं पैसे और बेचल। तो अगर इसी तरह मुल्क के हालात रहे ना, तो जो गरीब तबका है ना निचले लेवल का, जो ना बाहर जा सकता है, ना कोई नौकरी का तो नाम ही खत्म है ना, रिश्वत के बगैर नौकरी तो मिलनी ही नहीं है जो हालात जा रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं कि खुदारा कुछ ना कुछ अपने हिस्से का जरूर डाले सोशल मीडिया के अंदर, कि जो हमारी आवाम है, हमारे लोग हैं, उनकी कोई समझ, कोई सोच, बेदार हो, कोई मुल्क के बारे सोचे। अगर देखा जाए तो बड़ों को देख के जो छोटे से छोटा बंदा है ना, वो भी करप्शन करने की कोशिश कर रहा है, हर तरह का जो महकमा है हमारा छोटे से छोटा, अब एक चौकीदार है ना, चौकीदार वो भी करप्शन कर रहा है, अपने हिस्से की जितनी हो रही है करप्शन, सिर्फ वो नहीं कर रहा जिसको मौका नहीं मिल रहा, मैक्सिमम वो लोग। तो ये है, हमें सोचना चाहिए अपने मुल्क की तरक्की के बारे में, सोचना चाहिए उनके बारे में, सोचना चाहिए जो उनका इस मुल्क के अंदर कोई अपना असासा नहीं है, सिर्फ वो दिहाड़ीदार मजदूर लोग हैं जो बमुश्किल से 2 वक्त की रोटी पूरी करते हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क भी दूसरे मुल्कों की तरह काश के तरक्की करे। अभी दुबई के हालात देख रहे हैं, 20 साल पहले दुबई क्या था, अभी दुबई क्या है। ये होती है हुक्मरानों की बात, ये है कि अगर एक आपको अच्छा हुक्मरान एक भी मिल जाए तो वो आपके मुल्क यहाँ से यहाँ ले जाता है। और माशाल्लाह से हमारी तरीक देख लें, आपको सब पता है, और मैं कोई बात नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि इजाज़त अल्लाह हाफिज़।